मास्टर मदन, जो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए। मास्टर मदन एक शांत स्वभाव वाले धर्मनिष्ठ बालक थे। उनका परिवार उन्हें एक बाल योगी, एक बाल तपस्वी की तरह सम्मान देता था। उनकी बहन शांति देवी ने एक बार बताया था कि मदन हमेशा अपने साथ गुरु नानक की रेशम से लिपटी एक तस्वीर, एक माला और एक घुटका रखते थे। मास्टर मदन की दो गजलें आज भी किसी सौगात से कम नहीं लगती। इन दो बेहद लोकप्रिय गजलों को 1935 में रिकॉर्ड किया गया था। गजल लिखने वाले शायर थे सागर निजामी। इन दो गजलों के अलावा रिकॉर्ड किए हुए नगमों में मास्टर मदन के दो पंजाबी गीत हैं, दो ठुमरियां हैं और दो गुरबानी शामिल हैं। कुछ समय पहले HMV की एक CD आई थी जिसका नाम था गजल का सफर। इसमें मास्टर मदन की दोनों गजलें भी शामिल थी। इस कलेक्शन में मास्टर मदन की दो गजलों का सिलेक्शन गजलों के बेताज बादशाह जगजीत सिंह ने किया था। वो खुद मास्टर मदन की गायकी के मुरीद रहे हैं। उनकी गाई हुई दोनों गजलें एक यादगार हो गई। 1931 से लेकर 1942 तक मास्टर मदन ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करते रहे। आकाशवाणी के इस लाइनअप में बड़े गुलाम अली खान, दिलीप चंद्रवेदी, दीना कव्वाल, मुबारक अली, फतेह अली जैसे दिग्गजों के साथ मास्टर मदन भी थे, जो कि उनकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। अब मास्टर मदन की लोकप्रियता चरम पर थी। वो अपने बड़े भाई के साथ देश के कोने कोने में अपने शो करते थे। रियासतों के राजा मास्टर मदन को अक्सर अपने महलों, महफिलों में प्रस्तुति देने के लिए बुलाते थे और खुश होकर सोने चांदी और पदक दिया करते थे। अपने शहर में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के एवज में मास्टर मदन को 80 रुपये मिला करते थे, जबकि शहर से बाहर हुए कार्यक्रम के लिए उन्हें 250 रुपये मिलते थे, जो उस दौर में बड़ी रकम हुआ करती थी। खेलने और आराम करने की उम्र में दूर दराज के राज्यों की यात्राएं, कई कई घंटे लगातार प्रस्तुति देने का सिलसिला कई सालों से चल रहा था। परिवार पर पैसों की बरसात हो रही थी। नवाबों राजाओं से बेशकीमती उपहार और दौलत ने कहीं ना कहीं मास्टर मदन के परिवार में लालच भर दिया। उन पर पुरस्कारों और पैसों की खूब बारिश हुई। बड़ों ने उनकी सेहत और बचपन को किनारे कर पैसे को प्राथमिकता दी। मदन का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। हर मंजिल हयात से गुम कर गया। इस वक्त तक मास्टर मदन की उम्र 14 साल की थी। वो एक कार्यक्रम पेश करने कलकत्ता पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने जो शमा बांधा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी दर्शक घर जाने को तैयार नहीं थे। राग बागेश्वरी में उन्होंने करीब 2 घंटे तक लगातार एक ही गाना गाया, जिसके बोल थे, विनती सुनो मोरी अवधपुर के बसिया। ये गाना एक बार खत्म होता तो श्रोता वंस मोर कहके फिर से ये गाना गवाते। जिंदगी के इस आखिरी शो में मानो जनता उन्हें छोड़ने को राजी नहीं थी। उन पर झमककर पुरस्कारों और पैसों की बारिश हुई। एक सेठ ने उन्हें 500 रुपए नकद दिए, जो उन दिनों एक बड़ी रकम थी। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने उन्हें 9 स्वर्ण पदक देने की घोषणा की। उन दिनों स्वर्ण पदक वाकई सोने के होते थे। इस कार्यक्रम के बाद मास्टर मदन दिल्ली लौट आए और करीब 3-4 महीने तक आकाशवाणी के दिल्ली रेडियो स्टेशन जाकर अपने कार्यक्रम पेश करते रहे। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब जानना लाजिमी होगा कि तबीयत बिगड़ने की असल वजह क्या थी। कहा जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी से देश के तमाम नए सिंगर नाखुश रहने लगे। उन्हें लग रहा था कि मास्टर मदन की वजह से उन्हें अच्छे मौके नहीं मिल पा रहे। ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि उनकी कामयाबी और शोहरत से जलने वाले लोगों ने इस बेमिसाल उभरते गायक को दूध में पारा मिलाकर दिया था, जो उनकी मौत का कारण बना। 5 जून 1942 को करीब 14.5 साल की उम्र में ये अद्भुत गायक किसी के पाप और पिशाच प्रवृत्ति की भेंट चढ़ गया। जैसे ही उनके मौत की खबर लोगों तक पहुंची, सहसा किसी को भरोसा नहीं हुआ।
शिमला की सड़कों पर लोग बदहवाश उनके घर की ओर दौड़ पड़े। खबर सही थी, लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उस दिन शिमला बंद रखा गया। श्मशान घाट तक उनकी अंतिम यात्रा में एक विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। अपने तमाम पदक पहने हुए ये फनकार अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार था। पदक पहनाकर ही उनकी चिता को अग्नि दी गई और इस मुखाग्नि में मास्टर मदन के मुर्दा जिस्म के साथ उन लाखों लोगों के जज्बात भी जलकर खाक हो गए जो इस कलाकार को दिलो जान से चाहते थे। गुम कर गया मुझे। आज इतने बरस बाद भी उनकी मौत को लेकर अब भी कुछ साफ तरीके से नहीं कहा जा सकता। हालांकि उनकी मौत के बारे में जितनी भी कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, उसमें उन्हें जहर देने का जिक्र जरूर है। बस फर्क जहर देने की जगह को लेकर है। एक कहानी के मुताबिक पंजाब के ही शहर अंबाला में एक लड़की ने उन्हें कोठे पर बुलाया जहां उन्हें जहर वाला पान दे दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि कलकत्ता में जब उन्होंने अपना आखिरी कार्यक्रम दिया तभी उनके पेय पदार्थ में जहर मिला दिया गया जिसका धीरे धीरे असर हुआ। एक अन्य जानकारी के मुताबिक रेडियो स्टेशन दिल्ली में उनसे जलन रखने वाले एक दुष्ट कलाकार ने उनके किसी पेय पदार्थ में पारा मिला दिया। उनकी मौत की साजिश करने वाले लोग कौन थे इसकी कोई पुख्ता और प्रमाणिक जानकारी आज भी नहीं है, लेकिन जहर से मौत की बात हर जगह मिलती है, जिसने संगीत प्रेमियों से बहुत ही कम उम्र में एक शानदार कलाकार छीन लिया। ये अफसोस की बात है कि आकाशवाणी के अभिलेखागार में मास्टर मदन की रिकॉर्डिंग्स सुरक्षित नहीं रखी जा सकी, जबकि वो आकाशवाणी के लिए 1931 से 1942 तक लगातार गाते रहे। केवल 8 शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग आज मौजूद है, जिसमें 2 गजलें, 2 पंजाबी गीत, 2 ठुमरी और 2 गुरबानी के हिस्से शामिल हैं। साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर कला नाम की फिल्म रिलीज हुई थी जिसे अन्विता दत्त ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में तृप्ति डिमरी, स्वास्तिका मुखर्जी और बाबिल खान जैसे एक्टर्स ने काम किया है। बाबिल इरफान के बेटे हैं। बतौर एक्टर कला उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म में उन्होंने जगन नाम के उभरते हुए गायक का किरदार निभाया है। बाबिल का निभाया जगन का ये किरदार मास्टर मदन की ही कहानी से प्रेरित है। तुमने बना दिया है मोहब्बत में क्या। इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आपके पास अगर मास्टर मदन से जुड़ी कोई जानकारी हो तो जरूर बताइएगा। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।